नाले के साइड में बगल में जो छोटे छोटे पार्क आप लोगों ने बनाए थे, एमसीडी ने बनाए थे कि लोग उन पर बैठ सकें, बुजुर्ग आराम फरमा सकें, वहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने अपनी भैंसें बांधी हुई हैं, गाय भैंस बांध रखी है और पूरा गंद मचाया हुआ है, तो उनसे आपका संपर्क हुआ है? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये, तो अननेसेसरी वहाँ पर अपना कब्जा जब बना लिया है, गेट भी कर दिया, लॉक कर दिया उसको। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात आती है, वो किसी जो नॉर्मल जो सिटीजन है किसी को आने भी नहीं देते हैं। जैसे अगर सागरपुर दावड़ी जो रोड है उसकी बात करी जाए तो वो DDA की अंडर आता है, जिसके अंदर मेन जो है, मैं तो कहूँगी परवेश वर्मा जी का इनपुट होना चाहिए, थोड़ा सा वो एफर्ट करें, अगर वो चाहें तो एक मिनट के अंदर ये काम हो जाए, एक्शन लिया जा सके। जी, आपके क्षेत्र में एक पार्क है जो पूर्व पार्षद ने बनवाया था, मुकेश सूर्या ने, और उन्होंने कहा है कि जो है ये भू माफिया उसे छुटा कर हमने शानदार पार्क बनवाया है, उसमें कोई उसमें सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कुछ फंड वगैरह नहीं लगना है, तो आपको लगता है कि ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पार्क नहीं है वो, बेटर रहेगा उसको म्यूजियम कहा जाए, बिकॉज पीपल आर नॉट अलाउड टू वॉक इन देयर, वो वहाँ पे चल भी नहीं सकते हैं। एक पार्क एक नॉर्मल होता है, अपने नगर वन के दोनों पार्क हैं, या ग्रीस जो ग्रीन ग्रासलैंड है, लोग जाते हैं आराम से वॉक करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, उसका बेनिफिट तो मिले, सब जगह तो बाउंड्री लगाई हुई है, सिर्फ वो ट्रैक पर दे कैन मूव ओनली, तो ट्रैक पर ही आ जा सकते हैं। पहले तो बेंचेस भी ट्रैक पर थे, अब वो ट्रैक पर चलेंगे कि वो बैठेंगे वहाँ पर। अब इसको सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक प्लांट लगाने के लिए भी हल्का सा भी उसका पिट बनाते हैं तो ढेर सारा उसके अंदर से गार्बेज निकलता है, ऐसे में पेड़ पौधे कैसे पनप सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोली नेताजी। पूरी दिल्ली में, क्या पूरे देश में, अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण से न सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि प्रशासन भी परेशान है, और इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के सागरपुर इलाके में हैं और यहाँ की पार्षद सिमी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे सिर्फ और सिर्फ भूमाफिया पर, सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण पर। क्या कुछ ये प्रयास कर रही हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, और आगे क्या कुछ कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकती है जो अपना तंबू गाड़ कर सरकारी ज़मीन को घेर कर बैठे हुए हैं? मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी प्रवीण जी। सिमी यादव जी, शुरुआत करते हैं सागरपुर नाला रोड से। महाबल मिश्रा के समय में करोड़ों रुपए की लागत से एक नाला इस उद्देश्य से बनाया गया था कि वहाँ पर लोगों का ट्रैफिक स्मूथ होगा, वहाँ लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन अब देख रहे हैं उसके साइड में जो MCD ने पार्क बनाए हुए हैं नाले के साइड में, वहाँ पर लोग अपनी भैंसें बांध रहे हैं, अपने टेंट का सामान रख रहे हैं, ये सब आपके संज्ञान में होगा, तो इसको हटाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, जब से हम आए हैं, जीत कर आए हैं, तभी से ही हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन में हैं। लगातार हमने DC से हमने राउंड भी करवाया है, उनको दिखाया है कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है, हमारी नॉलेज में तो ऑलरेडी था ही, साथ में हमने उनको रिटर्न कंप्लेंट करी है, DM से मिलकर भी आए हैं, उनको पूरा विद फोटोग्राफ्स हमने प्रॉपर बताया, समझाया है। DC के राउंड हो चुके हैं, इवन यहाँ तक कि हमने मेयर मैडम से जब रिक्वेस्ट करी कि मैम यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल पैथेटिक होती जा रही है, बिकॉज हमारे वार्ड की मेन एंट्रेंस एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही है, एक आना जाना कनेक्टिविटी मेन यहीं से होती है, और यहीं पर ही इलीगली लोग अपने व्हीकल्स खड़े कर देते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, रेजिडेंशियल भी नहीं है, तो इस सब चीज़ को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं, और आई होप कि अगर हम जिस तरह से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऊपर तक तो हमने आवाज़ पहुंचा दी अपनी, अब वेट कर रहे हैं हम भी कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नाले के साइड में बगल में जो छोटे छोटे पार्क आप लोगों ने बनाए थे, MCD ने बनाए थे कि लोग उन पर बैठ सकें, बुजुर्ग आराम फरमा सकें, वहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने अपनी भैंसें बांधी हुई हैं, गाय भैंस बांध रखी है और पूरा गंद मचाया हुआ है, तो उनसे आपका संपर्क हुआ है? उनसे ये है कि देखिए, वो जो बनाया गया था ग्रीन बेल्ट जो बिल्कुल उसके साथ में है, जो कनेक्ट करके बनी है, वो वैसे फ्लड डिपार्टमेंट का आता है, लेकिन ग्रीन बेल्ट बनी थी लोगों की फैसिलिटी के लिए, कहीं ना कहीं लोगों ने ना एडवांटेज ले लिया है, जिसके घर के सामने पड़ रहा है वो ग्रीन बेल्ट, उसने उसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है, अलग अलग तरह के वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर गाय की डेयरी भी है जिसके लिए ऑलरेडी एक्शन लिया जा चुका है, वहाँ पर टेंट वाले भी अपना मटेरियल डाल देते हैं, और तो लोगों ने उसको पर्सनल पार्क की तरह यूज़ करते हैं, इवन वहाँ पर जो लोकल जो अदर रेजिडेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है वहाँ पर, तो ये जो पर्सनल जो उन्होंने अपना कब्जा यहाँ पर बना लिया है, इसके ऊपर हमने कार्रवाई करने की बात कर दी है,
और ये सब चीज़ के बारे में हमने बात करके मिल के डीएम से डीसी से सबको बताया गया है कि ये गलत हो रहा है, ये जनरल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए पूरी ग्रीन बेल्ट बने तो उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये, वो तो अननेसेसरी वहाँ पर अपना कब्जा जब बना लिया है, गेट भी कर दिया, लॉक कर दिया उसको। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात आती है वो किसी जो नॉर्मल जो सिटीज़न है किसी को आने भी नहीं देते हैं, ये होना कि अगर अलाउ कर दो, अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स वगैरह ना आ जाए इसलिए हमने कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड ही नहीं है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी उसको यूज़ कर रही हैं, लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से लगातार कंप्लेंट आ रही है, आरडब्ल्यू की तरफ से कंप्लेंट आ रही है, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये पूरी ग्रीन बेल्ट लोगों के बेनिफिट के लिए बनी हुई है और उन्हीं का ही हक है और उन्हीं के लिए खुलेगी अभी। आपको लगता है कि एक माफिया जो है चल रहा है यहाँ पर अतिक्रमण करने वाला? देखिए मुझे लगता है कि लोगों की आदत भी ख़राब हो गई, इतने टाइम तक कभी संज्ञान नहीं लिया गया, जो चीज़ जैसे चल रही है ढर्रे पर वही चलती जा रही है, तो मतलब कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना सिस्टम में गड़बड़ हुई थी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें प्रॉब्लम तो होगी अगर हम इस चीज़ के ऊपर बोलेंगे, लेकिन जो बात सही है जो जनता के हित में है हम वही बात करेंगे और उसी के ऊपर हम स्ट्रिफ हैं और उसी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप बता रहे हैं कि आपने डीसी को भी दिखाया था ये सब, लेकिन अभी वैसे के वैसे ही हालात हैं, क्या आपको लगता है कि आप खुद एक चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको खाली करवाने? नो डाउट चैलेंज तो है ही है, क्योंकि उन लोगों को इतना मतलब ऐसे लगता है इतने साल हो गए तो उनको लगता है कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम क्यों हटें यहाँ से, लेकिन एक्चुअल में उनको भी समझाना पड़ेगा कि आप भी यूज़ करें लेकिन आम जनता को भी आने दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खेलना चाहते हैं, नहीं तो वो रोड पे खेलते हैं, फिर वो जो बात जो जायज़ है जो सही है वही करी जाएगी, हम तो गलत हैं नहीं इसमें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, चैलेंजिंग भी है क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है सब तरह से, और वो धीरे धीरे वो ट्रैक पर आने में टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने सीनियर तक अपने सब जगह खबर पहुंचा दी है, दुर्गेश पाठक जी जो हमारे एमसीडी के प्रभारी उनकी नॉलेज में तक ये वाला मैटर आ चुका है, मेयर मैडम के बारे में उनको भी बताया गया है, तो जल्दी मुझे लगता है एक्शन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो आ रहा है पॉइंट हम कह सकते हैं वीक पॉइंट ये कि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, ये ओवर हो जाए तो फिर से इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, और हम तो खुद ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक्शन हो, लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। लगभग एक साल आपको जीते हुए हो गया है और एक साल में हालात वैसे के वैसे हैं, नाला रोड पर रेहड़ियाँ हैं, अवैध पार्किंग है, उसके बगल में साइड में कब्जे हो गए हैं पार्क में, सरकार आपकी है, एमसीडी आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, विधायक आपके हैं, क्या आपको लगता है कि आप खुद असमर्थ हैं ये अतिक्रमण हटवाने? देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न ये आ जाता है, एमसीडी का काम तो है अतिक्रमण हटाना, लेकिन अब देखा जाता है कि कहाँ पर है वो, जैसे अगर सागरपुर दावड़ी जो रोड है उसकी बात करी जाए तो वो डीडीए के अंडर आता है, जिसके अंदर मेन जो है मैं तो कहूँगी परवेश वर्मा जी का इनपुट होना चाहिए, थोड़ा सा वो एफर्ट करे, अगर वो चाहें तो एक मिनट के अंदर ये काम हो जाए, एक्शन लिया जा सके, तो उनकी तरफ से कहीं पर कभी भी नहीं आया। मुझे लगता है उन्हें भी, आप तो हमें कहेंगे हमें तो 10 महीने उन्हें तो 10 साल होने को आ गए हैं, अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। अप्रोच किया प्रवेश वर्मा को? देखिए मैं बताना चाहूँगी, अभी उन्होंने रिसेंटली अपने चुनाव की तैयारी के चलते उन्होंने भी ये कहा है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेट्स सी, पिछली बार भी यही रहा था और अब की बार भी यही है, लेकिन हम अपने ग्राउंड लेवल पर विद प्रूफ हमारे पास है, हम किस किस के पास मिलकर आए और जेन्युइन जो प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं हम उनको रेज कर रहे हैं, ताकि हमारी जनता को, हमारे क्षेत्रीय जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिले, एनक्रोचमेंट के ऊपर ऐसे वर्क कर रहे हैं। सेकेंड हमें जो है ना ये जो होगी ज्वाइंट एक्शन लिया जाएगा, सिर्फ एमसीडी का नहीं है ये, अगर जहाँ पर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी भी आएगी, हमें सपोर्ट चाहिए दिल्ली पुलिस का भी चाहिए इसमें, एसएचओ की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, अगर हमें पूरी प्रॉपर बटालियन मिलती है। रीज़न आप समझ सकते हैं कि इतने टाइम तक कभी एक्शन नहीं लिया गया, जो जैसा चल रहा है वो चलता जा रहा है, उसी फ्लो के अंदर है, तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम लगेगी अगर इनको हटाया जाएगा तो, वो एग्री ही नहीं करेंगे इस चीज़ के। सुधार हर एक कोई चाहता है, बेटरमेंट हर एक कोई चाहता है, लेकिन अगर मान लो शुरुआत उन्हीं से करते हैं तो उन्हीं को प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर किया जाएगा। और अवैध पार्किंग और रेडी पटरी में तो आपने कहा कि हमें मिलकर ड्राइव चलानी पड़ेगी, उसमें सांसद का सपोर्ट भी चाहिए, पुलिस का भी सपोर्ट चाहिए, जो पार्क वाले हैं उसके लिए आप एक पूरी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, ये कब तक उम्मीद है, कब तक खाली हो जाएंगे जो साइड में छोटे छोटे पार्क हैं उनमें जो कब्जे कर लिए टेंट वालों ने, गाय भैंस वालों? देखिए डेयरी की बात करी जाए तो डेयरी को तो हमने कई बार इसको क्लोज करवा दिया, बिल्कुल लॉक कर दिया है, ये सील हो चुकी है, दो डेयरी थी दोनों के ऊपर एक्शन लिया जा चुका है,
अब जहाँ तक इनके ऊपर आते कि जो लॉ के इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी समझी हुई है, इसके ऊपर भी जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, लगातार हम लगे हुए हैं। अभी पूरी उम्मीद है हमें कि ज़रूर सुधार आएगा, उनसे भी बात करी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनका भी यही कंसर्न है, RW की तरफ से भी आ रही है, हमारे पास कंप्लेंट आ रही है। तो इशू सिर्फ हमारा पर्सनल इसमें नहीं है, तो जनता के हित की बात आती है। कहीं ना कहीं समझाएंगे, वो लोग समझेंगे कि आप भी यूज़ करिए इसको और बाकी जनता भी यूज़ करे। समझा के तो आपने देखा हुआ है उनको, मान नहीं रहे। कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम करेंगे, हम लगातार कोशिश में हैं। अब टाइम आ गया फोर्सफुली कराने। हाँ, ये बिल्कुल है, सही बात आप कह रहे हैं, फोर्सफुली करना पड़ेगा। अगर आराम से बात नहीं मानी जाएगी तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हमें। जैसे कि अगर यहाँ पर इलीगल जो व्हीकल्स खड़े रहते हैं, इनका अब जो ना हैवी चलान होगा। सेकंड, जो यहाँ पर लोग अपना गार्बेज जो डंप करके जाते हैं, इसका भी हैवी चलान होगा, MCD की तरफ से ये होगा। ये बात भी हमने DCA सर को बोल दी है हमने, और अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। सागरपुर में जो सड़क पर झुग्गियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ आ गई हैं, सड़क की तरफ आ गई हैं, और वो कॉमर्शलाइज हो गया है पूरा, ये भी आपके संज्ञान में होगा, इस पर भी कोई कार्रवाई सोच रहे हैं जी? इसको भी अभी रिसेंटली जब राउंड हुआ था तो हमारे आदरणीय विधायक विनय मिश्रा जी वो भी साथ में थे, DC भी थे, PWD का डिपार्टमेंट भी साथ में था, और हमने प्रॉब्लम बताया कि आप ग्राउंड लेवल पर आके देखिए कि क्या है रहा है। कि देखिए, झुग्गी वाले नहीं है ये लोग, कमर्शलाइज ज़्यादा ही कर दिया है इन्होंने, इसको रेंट पे अपने बना के छोटे छोटे खोके उसको आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम ये कहना चाहते हैं, इन लोगों को समझना चाहिए, आप इसका एक एडवांटेज ले रहे हैं अगर आप मेन रोड पर हैं तो। यहाँ ECC कनेक्टेड है, 4 स्कूल जाते हैं, बाकी और मेन रोड है क्योंकि ब्रॉड है काफ़ी है, तो स्कूल बसेस को आने जाने में बैक होने में दिक्कत होती है सुबह से शाम तक। शाम के वक्त आप देखिए बुरा हाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जॉइंटली एक्शन लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनको हटाया जाए, लेकिन हम हटा नहीं रहे, हम कहते हैं कि अपनी बाउंड्री अपनी सीमा के अंदर रहें ताकि लोगों को आने जाने वाले को दिक्कत नहीं हो। इनको भी समझा चुके हैं, इनको इनके ऊपर तो इनको समझाया गया है, लेकिन अभी देखिए कि मैंने कहा कि ये जॉइंट में आता है, PWD का रोड है, और एनक्रोचमेंट हटाना तो MCD का काम है, तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ये भी जॉइंटली ही होगा। सिविल जी, आपके क्षेत्र में एक पार्क है जो पूर्व पार्षद ने बनवाया था, मुकेश सूर्या ने, और उन्होंने कहा है कि जो है ये भू माफियाओं से छुटा कर हमने शानदार पार्क बनवाया है, उसमें कोई उसमें सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कुछ फंड वगैरह नहीं लगना है, तो आपको लगता है कि ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पार्क नहीं है, वो बेटर रहेगा उसको म्यूज़ियम कहा जाए, बिकॉज पीपल आर नॉट अलाउड टू वॉक इन देयर, वो वहाँ पे चल भी नहीं सकते हैं। एक पार्क एक नॉर्मल होता है, अपने नगर वन के दोनों पार्क है, या ग्रीस जो ग्रीन ग्रासलैंड है, लोग जाते हैं आराम से वॉक करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, उसका बेनिफिट तो मिले। सब जगह तो बाउंड्री लगाई हुई है, सिर्फ वो ट्रैक पर दे कैन मूव ओनली, तो ट्रैक पर ही आ जा सकते हैं। पहले तो बेंचेस भी ट्रैक पर थे, अब वो ट्रैक पर चलेंगे कि वो बैठेंगे वहाँ पर। अब इसको सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें एक प्लांट लगाने के लिए भी हल्का सा भी उसका पिट बनाते हैं तो ढेर सारा उसके अंदर से गार्बेज निकलता है, ऐसे में पेड़ पौधे कैसे पनप सकते हैं? तो उसको हमें पूरा हम सेग्रीगेट करने के लिए बोलते हैं कि इसको कचरा जो है उसको सारा हटाओ, इसके अंदर मैन्योर डालो और मिट्टी सॉयल के साथ मिक्स करके फिर वो प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली प्लांट्स तो हम लगा ही रहे हैं, और जल्दी ही आप देखेंगे कि हमने विधायक जी से भी इस बारे में बात करी है कि हमें चाहते हैं एक पोर्शन एक बार छोड़ दिया जाए लोगों के लिए, उसको ब्यूटीफाई भी करेंगे और प्रॉपर ग्रास उसके ऊपर हो ताकि लोग चल सके। एक सिंगल लेयर के ऊपर ही, मतलब कि गार्बेज के ऊपर ही बना हुआ ही है, सिर्फ वो देख सकते हैं, वो छू नहीं सकते, वो चल नहीं सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते हैं, बस दूर से देखते रहो। तो जल्दी इसके ऊपर, और बहुत ही ऐसा सुंदर पार्क बनने वाला है ये, इसके ऊपर प्रॉपर लेआउट बन के फिर हम काम कर रहे हैं। अभी सुंदर नहीं है? नहीं, वही बात है, म्यूजियम है ये, लेकिन वो कहते हैं कि जो है आप सुबह 5 बजे आइए, खुला होता है, उस पर चलते भी हैं लोग। नहीं, वहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बाय कर रखी है, वायरिंग कर रखी है उसके ऊपर, वहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ वो ट्रैक्स के ऊपर चलते हैं, और जो लोग जो जा सकते हैं वो आपने देखा पूरी सॉइल को जो है ना उसका है मिट्टी वाला जो ग्राउंड है वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए इस टाइप का पार्क वैसे ही नहीं मिलेगा आपको देखने को कि जहाँ पे लोग एंटर नहीं कर सकते, सब जगह वायरिंग कर रखी है, सिर्फ वो ट्रैक पे चल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि जो ये हुआ है वो उसी में ही इतने खुश हो गया, लेकिन हकीकत में जो ओरिजिनल बेहतर जो पार्क होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी हमारे साथ निगम पार्षद सिमी यादव, जिन्होंने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द जो पार्क जनता के लिए बनाया गया था उसको जनता ही इस्तेमाल कर पाएगी, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही साथ सागरपुर नाला रोड पर जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है, उसको हटाने के लिए सामूहिक रूप से ड्राइव चलाई जाएगी, और
इससे भी लोगों को छुटकारा दिला जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।